Hello everyone, so let's see our next example of chemical bonding. तो अब इसमें क्या कह रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ के सी एल इज 3.336 इंटू 10^-19. तो वैल्यू दी हुई है हमें के सी एल के डायपोल मोमेंट की कूलम मीटर, विच इंडिकेट दैट इट इज़ हाईली पोलार मॉलिक्यूल. ओके, नाउ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड सी एल माइनस इज 2.6 × 10^-10 मीटर. और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया है के प्लस और सी एल माइनस का, ये वैल्यू दी है. नाउ बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ के सी एल मॉलिक्यूल इफ देयर वर अपोजिट चार्जेस ऑफ वन फंडामेंटल यूनिट लोकेटेड एट ईच न्यूक्लियस. अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ के सी एल इफ देयर वर अपोजिट चार्जेस ऑफ वन फंडामेंटल यूनिट लोकेटेड एट ईच न्यूक्लियस. मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2.6 × 10^-10, और इसका चार्ज है दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा इस पर. तो मतलब अगर इधर ये है, इधर भी ये है. ओके, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, और बोल रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ के सी एल, और आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है. तो सबसे पहले व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमको पता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, या चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी यहाँ पे देखेंगे, क्यू इनटू डी. तो अब चार्ज की वैल्यू हम क्या लेंगे, चार्ज की वैल्यू हम लेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही लेंगे. एंड डी इज़ द डिस्टेंस जो दिया है 2.6 × 10^-10 मीटर. तो जब मैं हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, अगर ई को हम 1.6 × 10^-19 लेंगे, तो म्यू विल वी गेट द म्यू एज 4.165 × 10^-29 सेंटीमीटर, राइट. और जो डायपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है वो है 3.36 × 10^-29. एंड वी हैव टू फाइंड द आयनिक कैरेक्टर. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी द आई मीन द कैलकुलेटेड आई मीन द थियोरिटिकल वैल्यू जो हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, या तो हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू. तो दिस इनका रेशियो लेंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100. तो वी गेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर. ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, कीप दिस इन माइंड. तो यहाँ पे 3.36 × 10^-29 डिवाइड बाय जो हमारा आंसर आया है फॉर्मूला यूज करके. तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट आर आंसर एज 80.09%. तो आयनिक कैरेक्टर विल बी दिस परसेंटेज. ओके, थैंक यू.